आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार शहर में भ्रमण कर चौराहों पर तैनात पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोरोना वायरस से फैलने वाली गंभीर बीमारी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन बीमारी दिनों दिन पैर पसार रही है। इस बीमारी से बचने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर निकलकर जनता से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार का कहना है कि घरों से बेवजह निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चौराहे पर बैरियर की व्यवस्था की गई है। बैरियर पर ट्रैफिक के साथ साथ जो सिविल पुलिस है, थाने की फोर्स है, वो भी लगी हुई है और बहुत ही कड़ाई के साथ यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बिना कार्ड के जिनके पास परमिशन नहीं है उसके बिना घूम रहे हैं तो उन पर एमवी एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। अधिकारी भी भ्रमण का जायजा ले रहे हैं। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार का कहना है कि शहर में जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कार्य से घर से निकलने वालों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती सड़कों पर साफ दिखाई देने लगी है। तो कुल मिलाकर जो चेकिंग है यहाँ पर प्रत्येक चौराहे पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है, बैरियर लगाई गई है और बिल्कुल व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घूमने नहीं दिया जा रहा है। सर, पुलिस पर किस तरह की नज़र आ रहा है? कुछ भी वजह निकल रहे हैं, सख्ती है पुलिस की, उस तरह से जनता कैसी निकल रही है? कम निकल रही है यहाँ, जनता बहुत ही कम निकल रही है और जो लॉकडाउन है उसका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अनुपालन हो रहा है। लॉकडाउन में सीमाएं सील होने के बाद गैर जनपदों से लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे लॉकडाउन का पालन होता नजर आ रहा है। शहर की जनता दवा या जरूरी काम से ही निकल रही है। कार में दो व्यक्ति और बाइक पर एक व्यक्ति को चलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे इस कोरोना संक्रमित बीमारी से बचा जा सके। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।